जाबाज हिंदुस्तानी की तरफ से सब देशवासियों को ईद की मुबारकबाद। और रोडों पर जितना लोग हैं, मजदूर हैं जो फंसे हुए हैं और अभी तक अपने घर नहीं जा सके, उन सबको भी जाबाज हिंदुस्तानी की तरफ से ईद मुबारक हो। मैं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा से पूछना चाहता हूँ कि वो डिबेट में कह रहे थे हम मजदूरों को 3 टाइम खाना खिलाते हैं, उसका 300 रुपये होता है पर मजदूर। पात्रा साहब, ये सारा पैसा, सारा ख़जाना देश का है, आपकी अपनी प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आप खिला रहे हैं तो आप अपने पास से नहीं खिला रहे हैं, ये भी जनता का पैसा है। और इतनी अकड़ मत लाइए, क्योंकि अकड़ जो होती है वो मुर्दे में होती है, जिंदा आदमी में अकड़ नहीं होती है, उसमें लचक होती है। आप ऐसी डिबेट में ऐसी भाषाएं मत इस्तेमाल किया कीजिए जो सामने वाला आपको एक्सपोज करे। आप अच्छे से बोला करिए। और यूं के मैं तो कहता हूँ बीजेपी को ऐसे ही प्रवक्ता डुबोएंगे, जब भी डुबोएंगे ऐसे ही डुबोएंगे। इनका अहंकार इतना बढ़ चुका है कि ये एंकर तक अमित देवगन तलक को बोलने नहीं देते, बोले आप चुप रहो, आप चुप रहो। ऐसा नहीं होती डिबेट, डिबेट में सबकी सुनी जाती है। और मेरा इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इन्हें डिबेट करना है ना तो बहुत संयम से करा करें और सोचे किया करें, ऐसा नहीं दूसरे सामने वाले को बेवकूफ़ नहीं समझा करें।